क्यों हो? शादी तुमने मुझसे की है या अपने ऑफिस से? माँ जी को किसी के लिए वेडिंग प्रेजेंट लाना है। तुम तो यूं ही मेरे गले पड़ जाती हो, गिफ्ट लेने के लिए मेरी क्या जरूरत है? मुझे शॉपिंग का कोई शौक नहीं, कहो तो माँ जी तक तुम्हारा इनकार पहुँचा दूं। माँ जी चलो ठीक है, आज शाम को शॉपिंग कर लेंगे। मैं इंतजार करूंगी। घर नहीं आ सकता मैं, आने जाने में बहुत वक्त बर्बाद होता है। तुम ऐसा करना, शाम को 6 बजे डायरेक्टली शॉपिंग सेंटर पर आ जाना। मैं कैसे एक बार कर लूं? अरे मानता हूँ कि आदमी से कभी कभी गलती होती है, लेकिन आजकल तो कंप्यूटर भी गलती करता है। देखो रोमी प्लीज भूलना मत, ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर इंतजार करती रहूँ और तुम। अरे हमारा बिजनेस ही ऐसा है। बाय बाय। रोमी तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे घर में है सीताराम, सेवक राम, धनी राम, हरी राम, राम राम। ये सेवक राम, ये धनी राम, ये राम राम, ये कौन है? मेरे घर के नौकर। नौकर नहीं, मैं उनके मालिक के बारे में पूछ रही हूँ। ओ, उस घर के मालिक है मेरे पापा, मेरी मम्मी और कौन? और मेरी बीवी। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम मुझे कल नहीं मिलोगी सुप्रिया? क्यों? क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। हाँ मगर एक बात है, मैं अभी तक बाप नहीं बना। क्या तुम अपनी बीवी के साथ बेवफाई नहीं कर रहे? उसे क्यों धोखा दे रहे हो रोमी? क्यों? मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा सुप्रिया, किसी को नहीं। ये शादी मेरे पापा ने करवाई थी क्योंकि ये शादी उनके बिजनेस के लिए जरूरी थी। बिजनेस के लिए? हाँ, बिजनेस के लिए। मेरी बीवी एक बड़े बिजनेसमैन की एक लौती बेटी है और मेरे पापा ये रिश्ता खोना नहीं चाहते थे। तो तुमने बगावत क्यों नहीं की? कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिनके आगे सर को झुकाना पड़ता है। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। साहब नहीं आए? सामान गाड़ी में रख दो। क्या ऑफिस का सारा काम आज ही निपटाना जरूरी है? तुमने कुछ कहा मुझसे? सुनी अनसुनी करना तो कोई तुमसे सीखे, ये अच्छा बहाना है। फाइल में आंखें लगाकर बैठे रहो ताकि सच्चाई का सामना ही ना करना पड़े। सच्चाई? कैसी सच्चाई? ये फाइलें तुम्हें एक दो दिन जरूर बचा लेंगी। वैसे रोज रोज एक ही बहाना ठीक नहीं। क्या करूं, ढेर सारा काम पड़ा रहता है और अगर मैं काम पूरा ना करूं तो ऑफिस वाले आलसी हो जाएंगे। तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते अपना काम? मेरा काम? हाँ रोमी, तुम जानते हो कि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे अपने ऑफिस का काम सिखा दो। जानते हो इसका दुगना फायदा होगा। पूछो कैसे? कैसे? एक तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, दूसरा पूछो ना दूसरा फायदा क्या होगा। हाँ हाँ बताओ। हम ऑफिस साथ आया जाया करेंगे, इसी बहाने तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी। वैसे भी तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ है हमें कहीं ले जाने के लिए? शुक्र है जो कभी कभी एक आध लफ्ज बोल लेते हो। ये क्या होता है? पति होने के नाते तुम्हारा कोई कर्तव्य है या नहीं? मैं किस कर्तव्य से चूका हूँ? कोई कमी है तुम्हें इस घर में? घर में कोई लड़की जब दुल्हन बनकर आती है तो क्या वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए आती है? इसके अलावा भी तो उसकी और कई जरूरतें होती हैं। और अगर तुम जानबूझकर अनजान बनना चाहते हो तो तुमने शादी ही क्यों की? खैर हो गया सो हो गया, पहला प्यार आखिरी प्यार तो नहीं होता। मेरी और तुम्हारी तकदीर की लकीरें अगर एक दूसरे से जुड़ गई हैं तो इस तरह से पेश आने का क्या फायदा? मैं मानती हूँ संसार में ऐसी बातें होती रहती हैं,
क्या उन्हें भुलाना नहीं चाहिए हमें? जख्मों पे मरहम पट्टी की जाती है, ना कि उन्हें कुरेते रहना चाहिए। रोमी मेम साहब ये लीजिए। रामू फिश करी ले आओ। अभी लाया। माँ जी आप कभी खाना लगा दो। क्या बात है, आज किस खुशी में मुझे दो दो बार खाना खिलाया जा रहा है? ओह मैं तो भूल ही गई कि आपने खा लिया। मैंने उनके लिए फिश करी बनाई है ना, इसलिए आपसे पूछ लिया। अच्छा तो महाशय बहुत दिनों के बाद घर पे खा रहे हैं, इसीलिए उनका फेवरेट डिश पॉम्फ्रेट बन रहा है। वैसे वो कितने बजे आने वाले हैं जी? बस आते ही होंगे। अच्छा सुखी रहो। तंदूरी चिकन। तुम्हारी फेवरेट डिश आ गई, लो खाओ। नहीं नहीं क्या, अरे लो भी। लो तुम भी खाओ। वैसे तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? जो तुम्हारी है वो मेरी है। कमाल है, दोनों की पसंद एक जैसी, पर मुझे पॉम्फ्रेट ज्यादा पसंद है। पॉम्फ्रेट? दरअसल मेरी भी चॉइस वही है। मुझे तो तंदूरी चिकन ही अच्छा लगता है। क्या कहा? हाँ वो क्या है, कॉलेज के जमाने में मेरा एक दोस्त था, उसे पॉम्फ्रेट बहुत पसंद था, पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर जबरदस्ती चिकन खाना पड़ता था। मुझे लगता है कि हम दोनों का पिछले जन्म में जरूर कोई रिश्ता होगा। हाँ पिछले जन्म में तुम पॉम्फ्रेट होगे और मैं चिकन। बहू बहू उठ जा बेटी। रूमी नहीं आया अब तक? नहीं। चल तू ही कुछ खा ले, ले? मुझे भूख नहीं है। अब और कितना इंतजार करेगी, 12 तो बज गए, सब ठंडा हो रहा है। माँ जी आप जाकर सो जाइए, मैं जरूर खाऊंगी लेकिन उनके साथ ही खाऊंगी। जैसे तेरी मर्जी। रामू जी मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तुम्हें ही साहब के पास बैठना, उनका ख्याल रखना और ये दवाइयां हैं ठीक समय पर देते रहना, अगर जरूरत पड़े डॉक्टर दोषी को फोन कर देना, ठीक है? माँ जी। अरे रामू तो इतने दिनों के बाद सब खैरियत तो है? बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं है माँ जी। क्यों क्या हो गया उन्हें? साहब बहुत बीमार हैं। मेम साहब रोज क्लब जाती है, ड्रग्स पीती है, शराब पीती है, देर से घर लौटती है। लेकिन उन्हें क्या हुआ है? साहब को दिल का दौरा पड़ गया है। मेम साहब और साहब के बीच रोज बहुत झगड़े होते हैं। हेरा भगवान करे उन्हें कुछ ना हो। साहब घर पे अकेले हैं, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा तुम जाओ मैं देखती हूँ। अच्छा चलिए माँ जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रामू कहाँ गए थे? मैम साहब मैं यही था। मैं कुछ देर के लिए साहब को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ के गई थी ना, हाँ? और मेरे कदम घर से बाहर नहीं निकले और तुम गायब हो गए, ये क्या लगा रखा तुमने? कहाँ जा रही हूँ माँ? तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, वही जा रही हूँ। नहीं माँ तुम वहां नहीं जा सकती, उनका ख्याल रखने के लिए वहां मिस मयूरी है, तुम्हारी वहां कोई जरूरत नहीं। रोमी मुझे मत रोको, मेरा वहां जाना जरूरी है, और ये मत भूलो वो मेरे पति है, तुम्हारे पापा। हाँ वो मेरे पापा हैं और तुम्हारे पति, लेकिन उन्होंने कब तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया है माँ, कब तुम्हारी कदर की है? रोमी तन्हाई खामोशी और वीरानियों के सिवा उन्होंने तुम्हारे दामन में डाला ही क्या है, कब तुम्हें अपना समझा है, हर पल हर वक्त तुम्हें दुखी देते रहे, यहां तक कि अपने बेटे को सिक्कों के तराजू में तोलते रहे। नहीं माँ मैं उस आदमी के घर पे तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। अपनी भलाई बुराई मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं वहां जाऊंगी। मेरी बात मान जाओ माँ, वहां तुम्हें सिवाय बेइज्जती के और कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम चाहती हो तो मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। देखो रोमी अगर तुम्हें वहां जाना है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो, नहीं तो निर्मल और मैं जा रहे हैं। चलो